हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। तो दोस्तों, आज हम कॉलर चढ़ाना सीखेंगे और बिल्कुल सही तरीके से सीखेंगे। जैसे यहां पर आपका कॉलर अगर एक तरफ को भागता है तो सही तरीके से कैसे चढ़ाएं, वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने कॉलर में कट लगा दिया है, कॉलर बना लिया है, ठीक है, और यहाँ नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेंगे हल्का सा। कटिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से नाप लेंगे, ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो अब इसको हम चढ़ाएंगे, बीच सेंटर में लगा देंगे कट, और कट लगाने के बाद में यहाँ पर कॉलर चढ़ाना शुरू करेंगे। इस तरीके से लेंगे, यहाँ कफ, यहाँ पर कॉलर चढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉलर का कट और हाले का कट दोनों मिला देना है। इस तरीके से बराबर मिलाएंगे, यहाँ पक्का कर देंगे लाके। उसके बाद दोस्तों, इस तरीके से मिलाना है इसे, ठीक है, और हमारे जो टीके हैं टीकों को मिलाएंगे, यानी कि जो सिलाई है ये वो वाली शोल्डर वाली, इसको यहाँ मिला लेंगे और यहाँ बिल्कुल बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ये होता है सही तरीका मिलाने का, जिससे हमारा कॉलर एक तरफ को नहीं भागेगा। यहाँ लगा लेंगे निशान, एक निशान यहाँ लगा लेंगे, यानी कि दोनों यहाँ पर टीक पे हम निशान लगा देंगे और इनको सिलाइयों से मिला के ही लगाएंगे। तो आपका यहाँ कॉलर भागने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एक तरफ को नहीं भागेगा। और यहाँ से जो सिलाई है, ठीक है, इस सिलाई से अपने निशान को मिला लेंगे और यहाँ पर सारा मार्जिन कर लेंगे अंदर। और इसको चढ़ा देंगे,